गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, आज हम करेंगे प्रैक्टिस बुक। प्रैक्टिस बुक में चैप्टर 10 हमारा है जो चल रहा है, मनी। अभी तक हमने क्या किया था, कोर्स बुक किया था। कोर्स बुक में आपको सब कुछ आ ही गया होगा, कन्वर्ट करना एंड रुपीज़ और पैसों को डिफरेंट अलग अलग वेज में लिखना। तो आज हम क्या करेंगे, माई टर्न जो आपको करना होता है, बट हम आपको हिंट देते हैं ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए, हमारा माई टर्न वन है। माई टर्न वन में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, राइट एनी टू कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स फॉर द फॉलोइंग अमाउंट्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक ऑलरेडी आपको सॉल्व दिया हुआ है और दूसरा हम आपको बताएं, बाकी हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, टू वेज में ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व है, मीन्स जो हमारे यहाँ पे रुपीज़ दिए हुए हैं, रुपीज़ को हम अलग अलग, जैसे आपके नोट्स होते हैं वो आपके पास 5 का भी होता है, 10 का भी होता है, 20 का भी होता है, 50 का, 100 का एंड 200 का या 500 का, 1000 का, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे पैसों को लिखना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है तो ये आपको ऑलरेडी सॉल्व है, सेकेंड आपका है 2290, इसे हमें टू वेज में लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे 2000 प्लस 200, ठीक है, 2000 का नोट प्लस 200 का नोट प्लस 50 प्लस 20 प्लस 20, और टोटल को आप ऐड करोगे तो 2290 होगा। सेकंड आपका है उसी टाइप से 2000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 20, तो ये आपका क्या हो गया, 2290। इसी टाइप से आप बाकी को भी लिख लेंगे। फिर आता है आपका माई टर्न टू। माई टर्न टू में क्या है, कन्वर्ट इनटू पैसे जो हमने कोर्स बुक में किया था, एंड कन्वर्ट इनटू रुपीज़, मीन्स यहाँ पे हमें पैसों को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। अगर हमें पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, पैसे क्या होते हैं, ज़्यादा में होते हैं, और रुपीज़ क्या होते हैं, कम में होते हैं। अगर हमें पैसे को रुपीज़ में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, और अगर हमें रुपीज़ को पैसे में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 100 से। तो यहाँ हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 500 रुपी। जैसे यहाँ पे पैसे हैं, इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम 5.80 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो 500 आएगा 5 से, एंड 80 हम प्लस कर देंगे तो 580 पैसे हमारे पास हो जाएंगे। सेकेंड है रुपीज़, रुपीज़ में क्या करना है हमें, इसमें हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो 2 टाइम्स में 200, तो 2 रुपीज़ एंड 35 पैसे, ओके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, कन्वर्ट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इनटू पैसे। यहाँ पे क्या है, रुपीज़ हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, नोट्स दिए हैं, जिसे हमें क्या करना है, पैसों में कन्वर्ट करना है। जैसे 10 है, 10 में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पैसे निकल आएगा। यहाँ पे सब में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। उसके बाद माई टर्न थर्ड में क्या है, रीड द मेनू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें मेनू दिया हुआ है, जैसे जैसे आप होटलों में जाते हो तो आपको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें आपके जो वहाँ का जो व्यंजन होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो लिखी होती हैं, प्लस उसके सामने उसका रेट लिखा होता है कि वो कितने रुपीज़ का है। जैसे चाउमीन है वो 50 रुपीज़ की हुई, आपका पास्ता है वो 80 रुपीज़ का हुआ, इस टाइप से सारा लिखा होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पे आपको ब्रेड दी हुई है 134 रुपीज़ 50 पैसे की, मिल्क बोतल है जो 90 रुपीज़ की दी हुई है, एंड आपका केक है वो 456 रुपीज़ एंड 50 पैसे का दिया हुआ है, एंड कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो ये आपकी 25 रुपीज़ एंड 50 पैसे को आपको दिया। इसी टाइप से और भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, इजी द माइस ऑर्डर अ बर्गर। यहाँ पे जो माइस है, जो माउस है, वो क्या करता है, बर्गर ऑर्डर करता है, ठीक है, बर्गर ऑर्डर करता है, बोतल ऑफ मिल्क, और एक बोतल मिल्क की ऑर्डर करता है। हाउ मच विल ही पे, वो कितने पे करेगा। देखिए, एक ऑर्डर बर्गर किया उसने, सेकंड आपने उसने क्या किया, मिल्क, बर्गर और मिल्क को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो 290 रुपीज़ उसने किया, ठीक है। सेकंड आपका ही पे था 300, उसने 300 रुपीज़ पे किए। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक, उसने कितने रुपये उसे वापस करेगा, वो 10 रुपीज़ करेगा 290 में से कट करके। हीशा द हैंड ऑर्डर अ सैंडविच एंड अ कोल्ड ड्रिंक, उसने क्या किया है, ईशा ने सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया है, तो वो दोनों को ऐड करके आप लिखिए। हाउ मच विल शी पे, उसने कितना पे किया, 170.50 रुपीज़। सी पेज 200, उसने उसे पे कितने किए, 200 रुपीज़। हाउ मच मनी ही विल वी गेट बैक, उसने कितने रुपए वापस किए। आप क्या करोगे, 170 से जो 200 है, 200 से उसे सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर लिख दोगे, आपका आंसर आएगा 29.50 पैसे। अब आता है आपका माई टर्न फोर में यहाँ पे देखिए, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, यहाँ पे बुक्स दी हैं, बुक्स में ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चंस है कि हाउ मच विल यू पे इफ़ यू बाय फोर ऑफ इच,
ठीक है, यहाँ पे इसने 4 बुक्स खरीदी हैं और एक बुक का कॉस्ट आपको दिया है। तो आपको क्या करना है, एक बुक का कॉस्ट दिया है आपको, यहाँ पे 2 बुक्स दिख रही हैं, दोनों का कॉस्ट भी अलग अलग है, आपको ये एक ही बुक में लेना है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे आप, उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड करने के बाद आपका 124.40 आएगा एंड फिर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 457.60 आएगा। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड में आप डिवाइड करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर माई टर्न फाइव में एक स्टोरी है, आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप पैसों को लिखेंगे। ओके, फिर आपका आता है माई टर्न सिक्स में आपको वही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।